Assalamualaikum boys, welcome back to another vlog, another video. कैसे हैं आप लोग? फिट हैं, ज़बरदस्त हैं। लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम जा रहे हैं पाकपतन, काम वहाँ पे है, मेरा थोड़ा सा काम है ज़मीनों से रिलेटेड, और हमारे साथ जा रहे हैं आदिल भाई ये आदिल भाई छुप रहे हैं। आदिल भाई क्या कर रहे हो? मुझे शर्म आ रही है। आदिल भाई जो है वो सब्जी मंडी में होते हैं, उससे रिलेटेड काम है, और जो छुपे रुस्तम है ना असल में ये, वो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ी देर तक। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और जो सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। आदिल भाई जो हमारे छुपे रिश्तों में ना भाभी चेक करा, आदिल भाई जो है ना वो हमारे पहले ग्लासेस नहीं पहनी हुई थी, सिंगर बॉय सर्च करें इनका, आदिल सुल्तान के नाम, रैपर बॉय। मैं इनके जो सॉन्ग्स हैं, इनके गाने, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप लोग लाइव भी चेक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो सिनेमैटिक्स गाड़ी की अब डालूंगा उनके साथ मैं इनके गाने शाने डालूंगा, तो फिर आप लोगों को मज़ा आएगा। हम लोग निकलते हैं, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, रास्ते में आप लोगों को थोड़ा सा सफ़र इंजॉय कराएंगे। हम जा रहे हैं बॉस चकरी के करीब हमने निकलना था सुबह 12 बजे, ताकि हमें आगे धुंध जो है ना वो डिस्टर्ब ना करे, लेकिन टाइम पे कभी कहीं पहुंच जाए ऐसा हो सकता है कभी। एक से बाकी लाहौर शो था, वो भी हमने जिद बसा ली थी कि जाना ही जाना है। बहरहाल शाम हो गई है, धुंध हमें रास्ते में लाजमी तंग करेगी। बात करें सफ़र है लाहौर के बाद, लाहौर टू पाकपतन, उसमें हमें थोड़ी सी जाना दिक्कत आएगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ लाजमी आप लोगों को शेयर करूँगा। अभी मैं और आदिल भाई डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो काम है, खैर वो बातचीत थोड़ी सी लंबी थी, अगर आपको भी साथ बीच में ऐड करते तो आप लोग बोर हो जाते। हमने को तकरीबन 2 से 3 सिटीज़ जो है ना आर एफ वाला पाकपतन मलकास ये कवर करनी है, तो ये अगले 2 दिन के अंदर अंदर ही, एक आध दिन शायद हम इन्जॉयमेंट के लिए वहाँ रुक जाए। तो बहरहाल सारी बात शेयर इसलिए नहीं कि आप लोगों को हो जाना था बोर, तो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट आगे जहाँ भी पहुँचते हैं फिर आप लोगों को टच करते हैं। हवा फ्लेवर था ठुल्ले की खांसी ना मुके, ठुल्ले ने कहा ये नशा और चीज़ है। अच्छा जी वाइज, तो पाकपतन हम ऑलमोस्ट जो है ना पहुंच गए भाभी, जरा पाकपतन हम पहुंच गए। रास्ते में वीडियो व्लॉग इसलिए नहीं किया कि हमारी जो चाहत थी ना वो ये थी कि धुंध गिरने से पहले हम पहुंच जाए। ये शुक्र है कि हमें धुंध नहीं मिली, ज़्यादा नहीं मिली, क्योंकि 1:30-2 बजे के बाद ज़्यादा धुंध होती है। तो अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 11:30, 11:30, 4:30 बजे हम निकले थे, तो अच्छे टाइम पे हम पहुँच गए, तकरीबन 7-7:30 घंटे पहुँच गए, हाँ 12 बज गए। पाकपतन में एंटर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, सेफ लैंडिंग हुई और धुंध से बच गए। और रास्ते में आप लोगों को इसलिए नहीं मिलेंगे, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम टाइम से पहुँच जाएँ और धुंध से बच जाएँ। तो इंशाल्लाह बाकी जो भी सीन होंगे वो सुबह होंगे, अभी जाके हल्का फुल्का खाना खाते हैं और रात को मारेंगे चिल, रात को सो जाएंगे, ताकि सुबह जो काम है वो हम कर लें और लूसी ना हो जाए। लूसी समझ रहे हैं, लूसी हो के बंदा काम करे तो फिर मज़ा नहीं आता। तो फिर जाके हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, फिर इंशाल्लाह सोते हैं, और इंशाल्लाह आपको सुबह मिलेंगे। अच्छा जी बॉयज, हम रात को टाइमली पहुंच गए थे, अभी उठे हैं, उठना हमने मूड था कि उठे तकरीबन सुबह जो है ना 8 बजे और काम शाम कर लें, लेकिन वो बिस्तर शिस्तरे और जो गाँव का माहौल है वो इतना खूबसूरत था ना मुझसे उठा गया, ना बिहाइंड द कैमरा बावे से उठा गया, वो आदिल अभी उठ के जा रहा है वो। और अभी जो है ना ये मौसम है इधर का, चेक करें बहुत खूबसूरत, क्या उठे सामने ये व्यूज़, ओए होए 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 होए, पता है नेक्स्ट लेवल सीन हो गया, नेक्स्ट लेवल। ये बाबा सर्दी से पैक हो, जी जी भाई आ गए, चले चले। तो अभी रास्ता वास्ता हुआ है अपना रेडी, जाके नाश्ता करते हैं और इंशाल्लाह फिर अपने काम वाम करते हैं। बाकी सूरज तो इधर बिल्कुल भी नहीं निकला, और फॉग जो है ना वो दिन में भी हल्की फुल्की है। अभी किया है नाश्ता वाश्ता और काम वाम जो थे वो फिर आपको पता है पहली प्रायोरिटी पे हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं वो जो है ना पूरा कर लें। तो वो अभी जो है बातचीत कुछ करनी थी वो हो गई है डन, इंशाल्लाह बाकी जो कुछ भी होता है तो आपको साथ जो है ना मैं अपडेट करता रहूंगा इंशाल्लाह। शाबाश, चेक किया बॉयज, फ्रेश इंपोर्ट, फ्रेश एक आध उठा के ले जाए, वैसे फ्रेंड अपना ठीक ठाक बन जाएगा। शाबाश, चेक किया।
पर शेर। लेकिन अपनी जो बिल्लियां बिल्लियां घर में घूम रही हैं उनको रगड़ रगड़ जाएंगे। अच्छा जी बॉयज़, कल काफ़ी सारे किए हैं काम शाम, तो शाम को फिर खाना शाना भी घर ही खाया। मज़ीद और कुछ चीज़ें थी नहीं आप लोगों के साथ शेयर करने को, क्योंकि काम वाम कर रहे थे तो थोड़ी डिस्कशन लंबी हो जाती थी। तो अभी भी हम आए हुए हैं बस एक जगह, यहाँ सारी ये जो है टमाटर बीजा हुआ है, तो इस तरह बाकी मामला हैं तोरी शोरी ये वो, तो ये वाले सारे मामला कर रहे थे, उसलिए आए हुए आप लोगों को चेक करवाता हूँ। फ्रेश गोभी वो आगे पड़ी हुई है वो मैं चेक करवाता हूँ। ये सारी जो है ना तोरी शोरी टिंडा शिंडा लगा हुआ है, उस चक्कर में हम लोग आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को आगे जाता हूँ चेक करवाता हूँ। ये सब्ज़ी वाले जितने मामला थे ना ये सारे आदिल भाई अपने सब्ज़ी मंडी में होते हैं उनसे रिलेटेड है। ये देखें फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश गोभी, इससे ज़्यादा फ्रेश नहीं हो सकती कि ये यहाँ से इसको काटा गया और काट के ये जो है ना ये भी यहाँ से सारी कटेगी और फिर आगे जो है ना मंडियों शंडियों में जाएगी। तो ये मामलात हैं काटने के लिए जो है वो भी जो है ना साथ ही पड़ा हुआ है इंस्ट्रूमेंट या जो कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो बाकी ये जो इस पर शापर लगा हुआ है सर्दी से और रात को जो ओस पड़ती है ये उससे बचाने के लिए लगा हुआ है ताकि ये उससे ख़राब ना हो, जो रात को ओस पड़ती है उसको ठीक ठाक डैमेज करती है। और सामने ये जो आप लोगों को डंडे लगे हुए नज़र आ रहे हैं ये टमाटर के लिए, तो सब्ज़ी के लिए बहुत खपत होती है। अच्छा बॉयज़, ये जो सारी है ना जितना आप लोगों को ये शापर नज़र आ रहा है सारी सब्ज़ी है सारी ए टू जेड, वो ट्रैक्टर वाले भाई जो है ना गाने शाने लगा के, ये वाले भाई जो हैं ये वाले ये टमाटर लगा रहे हैं, ये सारा टमाटर ए टू जेड ये सारा फिर जो है ना मंडियों में जाता है, ये सारी सब्ज़ी लगी हुई। बाबा तो खड़ा जो है ना चाय इंजॉय कर रहा है और सर्दी यहाँ पे इतनी क्या है ना क्योंकि सारा जो है ना एरिया सारा नाक रेड हो गया। हाँ ये बावे की नाक जो है ना वो रेड हुई हुई है, जैसे फ्रेश इंजन पानी छोड़ रहा होता है ना बावे की नाक वैसे फ्रेश पानी छोड़ रही है। और सर्दी यहाँ पे इतनी गंदाजा है कि हर तरफ जो है ना खाली है जगह सारी, इसलिए सर्दी बहुत ज़्यादा है। अच्छा अभी हम आए हुए थे सारा विजिट करना था और चेक करना था कि क्या है हिसाब किताब। अभी जो चीज़ है सारी सब्ज़ी लगी हुई है इस तरह वाली जो है शापर, इसलिए लगाया हुआ था मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया क्या सीन है। और इस तरह वाला शापर जो है ना इस तरह वाला बाबा दिखा वो उतार दी क्योंकि ये ऑलमोस्ट डन हो गई। तो हमारा जो आने का मकसद है ना जो दो तीन दिन हमने गुजारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया, काम सारे डन हो गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। The next day. Assalamualaikum boys, welcome back to another day, another morning. अभी आपका भाई उठा है सुबह सुबह तकरीबन 7:30 बज रहे हैं, उधर तो नहीं उठाया था लेकिन इधर भी आ गया बंदा सारा दिन सोया रहे, आदिल भी सोया हुआ, बाबा भी सोया हुआ, ये लोग 12 बजे उठते हैं। तो मैं सुबह सुबह इंजॉय करने के लिए ना यहाँ पे ये इंजॉयमेंट चेक करें, ये इन्जॉयमेंट इन्जॉय करने के लिए ना सुबह सुबह उठ के ना अपने ना इंग्लिश जोकर लगा के ना तो सीन्स इन्जॉय करने के लिए तो आपका भाई जो है ना टायर्ड रहता है। अभी टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड का है, बिलीव करेंगे आप लोग 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी डेरे पे हूँ मामू के, आप लोगों को सीन इन्जॉय करवा
लगा के दोनों बोतल हम अभी ये दोनों जो है ना लेट कमर ये उठे 12 बजे। आपको तो पता, आपका भाई मैंने फिर उनको बताया था सुबह 7:30 बजे उठा। अभी हम थे नुसरत, एक गाँव है चाका, ये मिट्टियों वाला। ये नेक्स्ट स्टॉप हमारा इंशाल्लाह होगा पाकपतन पकौड़ों वालों के पास। तो इंशाल्लाह आप सफर इंजॉय करें और हम पाकपतन पहुँच के मिलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था पकौड़ों का, अभी वो मैं सारी बात बताता हूँ बाद में। ये जो है ना ये फाउंडर है पकौड़ों वाले के। अच्छा, हम अभी इनसे मशवरा कर रहे हैं। क्या आदिल, हमने मशवरा किया आदिल भाई जो है ना वो पकौड़े ले जाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद, तो हम इनसे मशवरा कर रहे हैं कि हम हाफ फ्राई लेके जाएँ या फुल फ्राई लेके जाएँ। तो जाने अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि फुल फ्राई करके ले जाओ, ले ओवन में जाके गर्म करना, तो उनका क्रिस्पी पड़ना जो उसकी ठीक। अच्छा सीन ये है कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जबरू पकौड़ों का बताया था, तो जबरू पकौड़े बहुत मशहूर है इधर के। अभी इन्होंने अपनी दूसरी ब्रांच बनाई है, जबरू पकौड़ों वाले दूसरी ब्रांच बनाई है पाकपतन में। तो मस्त पकौड़े हैं ना, ये आप खुद ही समझ जाओ आदिल भाई यहाँ से 3 किलो पकौड़े घर लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, ये पकौड़े ये इनकी स्पेशलिटी है कि बाकी पकौड़ा आपको पता है हाथ से डालते हैं तो वो इस तरह का होता है, और इसकी क्या शेप है, इसकी जो खासियत है ना, इसकी क्रिस्पीनेस और खुशबू इसमें से ऐसे आ रही है जैसे इसमें चिकन डला हो। ये है ही चिकन, ठीक हो गया। चटनी भी जो है कि सबसे स्पेशल है, ज़बरदस्त है। तो क्या इसका टेस्ट है, क्या चीज़ क्रिस्पीनेस है, मेरा मुंह पानी से भर आया है। क्योंकि मतलब आप लोग कहेंगे कि यार सस्ता फूड ब्लॉगर जो है ना इसमें से जाग उठा है लेवल। बाबे का मुंह में सब चार बगे लगी है, बिहाइंड द कैमरा बाबा खड़ा हुआ, चटनी लोड़ दी मैंने। ये इनकी स्पेशलिटी है। अब आप सब भाइयों के लिए मैं अपने इस्लामाबाद लेके आ नहीं सकता, वरना लाजमी लेके आता। तो अभी हम इंशाल्लाह निकलने लगे हैं, तो आपसे इंशाल्लाह पहुंच के मिलेंगे, बटी एंड मैं कर लूँगा बात। अच्छा जी भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भाइयों की दुआओं से आपका भाई पहुंच गया खैर खरीद से वापस। काम भी सारे हो गए डन, आदिल के भी काम सारे डन हो गए थे और मेरे जो काम थे वो भी सारे हो गए थे डन गए थे। सिर्फ छोटा सा एक इशू ये हुआ था कि फैसलाबाद के पास से उन्होंने मोटरवे से उतार दिया था। बेवकूफ़ी हमने ये की कि रात का सफ़र किया, हमने वही सोचा कि धुंध नहीं होगी, जैसे जाते हुए भी नहीं थी तो आपसी धुंध मिली है, तो फिर थोड़ा सा फैसलाबाद से जब उतारा तो काफ़ी मुश्किल हो गई थी क्योंकि रास्तों का पता नहीं था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जीटी रोड से खैर खरीत पहुँच गए थे, मैप वगैरह लगा लिया था। तो अभी वापस आए हैं तो एक बैड न्यूज़ सुनने को मिली है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में। उस वजह से मूड थोड़ा काफ़ी ऑफ है, तो बाकी ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अपनी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल करें और सब्सक्राइब मस्ट करें यार। आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।